इतना भ्रष्टाचार था, आपकी भर्ती नापी जोखी आपकी हुई है, लिस्ट में आपका नाम है, आप पुलिस में चुन लिए गए हैं, लेकिन शिवपाल यही मुलायम यही अखिलेश यादव लिस्ट आ गई बिना नाप के, बिना तौल के, बिना नाप के उनकी आमद हो गई और नौकरी कर रहे हैं। इससे भ्रष्ट सरकार कौन होगी? महंगाई हमारी दूनी हो गई। सरसों का तेल कई रुपया मिला बताइए? 200 के पार है। बताइए किसकी मोबाइल बंद हो गई है? कौन रोड पे गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरा रहा? कौन नहीं चल रहा? बंद कर दीजिए। वो तो उसकी मजबूरी है कि चलेगा, जब गाड़ी खरीदा है तो चलेगा। मुलायम के सरकार में नकल कई के पास हुई है, उनके नौकरी नहीं मिलेगी। छापा मरवाएंगे, कहीं ईडी भेजेंगे, कहीं सीबीआई भेजेंगे, तमाम लोगों को। यही बताइए, आपके एडिटर को भेजने की क्या जरूरत है? जो चला रहा है, एक परिवार चलाने में किसको कितनी दिक्कत होती है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रांत चलाने में उसको परेशानी तो होगी, इसमें तो कोई रोक नहीं पाएगा, परेशानी होगी। सबसे परेशानी से बढ़िया यही है कि इनका जो कामकाज है सबसे बेस्ट है। परेशानी होगी तो अपनी परेशानी है, जो है पिछली सरकारों में कोई दिक्कत रहे तो उस पर आप बवाल की। पिछली सरकार से इसकी परेशानी उतनी अधिक नहीं है, उससे कम है, तब नहीं इसको हम लोग मान रहे हैं कि हम इसको मानेंगे। अब परिवार में बड़े भाई, पिछले सरकार में इतना भ्रष्टाचार था, आपकी भर्ती नापी जोखी आपकी हुई है, लिस्ट में आपका नाम है, आप पुलिस में चुन लिए गए हैं, लेकिन शिवपाल यही मुलायम यही अखिलेश यादव लिस्ट आ गई बिना नाप के, बिना तौल के, बिना नाप के उनकी आमद हो गई और नौकरी कर रहे हैं। इससे भ्रष्ट सरकार कौन होगी? अच्छा, यही सरकार थी, कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां हैं? कहीं दिख तो नहीं रही है? युवाओं में बेरोजगार है, कहे नहीं दिख रहे हाई जो काम हो रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, जितने लेवल लगे हैं, जितने मजदूर लगे हैं। युवाओं से हम बात करते हैं, हम भी फील्ड में जाते हैं, युवाओं से भी बात होती है, तो युवाओं में एक रोष दिखता है नौकरियों को लेके, क्योंकि रोजगार नहीं है युवाओं के पास। देखिए, उसी की योजना है, मोदी की यही योजना है कि जब प्राइवेट कंपनियां इंडिया में आएंगी तो रोजगार बढ़ेगा, तभी जो है रोजगार मिलेगा। एक अरब 40। आइए सर। जी, एक और नागरिक है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे ये सरकार जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई पे फेल है। सारे विकास हो जाए, विकास से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। महंगाई हमारी दूनी हो गई। सरसों का तेल कई रुपया मिला बताइए? 200 के पार है। पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया? महंगाई एक लिमिट से बढ़ती है तो समझ में आता है। और इस कोरोना काल में एमपी, एमएलए और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे लोगों की तनख्वाह मिलती रही, डीए उनका लग के मिला। कोरोना में कितना रुपया उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना के लोगों को दिया है? अरे मुख्यमंत्री जोगी नहीं, यहीं पे जो है आपके साथ के लोग हैं। आप गोरखपुर का विकास देखिए। आइए माइक पे बोलिए। देखिए आप, एक मिनट, सवाल लिया जाएगा आपसे। उत्तर प्रदेश का विकास देखिए, केवल गोरखपुर का विकास मत देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास। योगी जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ना कि गोरखपुर। कहां नहीं विकास हो रहा? चलिए मऊ देखिए, लखनऊ देखिए, बनारस देखिए, हर जगह वाले हैं। हम मऊ के रहने वाले हैं, मऊ की बात करते हैं। कहाँ विकास हुआ है? नहीं हुआ है। क्या बना है बताइए? मऊ में क्या बना है आप ही बता दीजिए। कल्पनाथ राय ने जो बनवा के गया, जो कहाँ नहीं विकास हो रहा? हर जगह विकास हो रहा है। बताइए किसकी मोबाइल बंद हो गई है? कौन रोड पे गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरा रहा? कौन नहीं चल रहा? बंद कर दीजिए। वो तो उसकी मजबूरी है कि चलेगा, जब गाड़ी खरीदा है तो चलेगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, पैसा बताइए कहाँ से आ रहा है? एक नंबर का काम हो रहा है, जिसको खटक रहा है वो चाह रहा है मोदी जोगी न रहे, जिसको खटक रहा है। देखिए जनता, यही आदमी खटक रहे हैं, मोदी जोगी चला जाए। कवर करते होंगे युवाओं से, युवाओं को कवर करते। हमने बात रखी युवा रोजगार को लेकर, युवा आपके साथ निराश है। कितना युवा सहमत है? जो पढ़ लिख करके टॉप होंगे उनको नौकरी मिलेगी। देखिए क्या कैमरा ऑन है, थोड़ा सा। मुलायम के सरकार में नकल कई के पास हुई है, उनके नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, इस सरकार में, कोई एक व्यवस्था तो लगाइए, कभी मेरिट पर परीक्षा कराते हैं, कभी उसकी लिखित परीक्षा। ये लोग हैं कि जो है महंगाई पे भी समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करेगा वही। रोजगार नहीं है उस पर भी समर्थन कर रहे हैं। अगर लाभ मिल
गया तो पूरा उत्तर प्रदेश को थोड़ी लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति को अगर किसी को लाभ मिल गया, मान लीजिए यहाँ किसी चीज का एक ठेकेदार ठीका ले रहा है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये कोई विपक्ष वाला नहीं बोलेगा है। राजस्थान में लाठीचार्ज हो रही है, कोई नहीं बोलेगा। छत्तीसगढ़ में बवाल हो रहा है, कोई नहीं बोलेगा। दलित की हत्या हो रही है, कोई नहीं बोलेगा। वहाँ बोलेगा ना विपक्ष बोले, आपके दलित को मार के मुआ दिए। राजस्थान हो चाहे एमपी हो चाहे कहीं हो, विपक्ष जहाँ हो वहाँ बोले। ये कह रहे हैं विपक्ष बोलेगा, लेकिन नहीं सुनिए हमारा। उसके वोट नहीं है, कटोरा लेके विपक्ष भीख मांगा। देखिए ये लोग जो है काफी सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं और काफी नाराज भी दिख रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि भले से में जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी सरकार का साथ दिए जा रहे हैं। तो वही चुनिंदा लोगों को लाभ मिला है, उससे साथ दे रहे हैं। इन लोगों को मिलता है भाई, सरकार का डर है कुछ तो। क्या 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 ऐसा है कि लोग डर रहे हैं? छापा मरवाएं, कहीं ईडी भेजेंगे, कहीं सीबीआई भेजेंगे, तमाम लोगों को। यही बताइए, आपके एडिटर को भेजने की क्या जरूरत थी? भारत समाचार के एडिटर को ईडी का छापा मरवाने की क्या जरूरत थी? कौन सा बड़ा आरोप? ये आरोप सरकार में लगता है कि जो है जो क्वेश्चन करेगा। ईडी का छापा मरवाने की क्या जरूरत थी? कौन सा है आपका बिगाड़ दिया, कौन सा आपका बना दिया? तमाम चैनल ये कुछ नहीं नहीं बिगाड़ा है, कम से कम तो यहाँ का सब लोग अच्छी तरह से देख लिए। और पत्रकार है, उन पे क्यों नहीं मार रहे हैं? सारे पत्रकार और एडिटर है, क्यों एक ही चैनल पकड़ के बैठे हैं भाई? नहीं भाई, सारे एडिटर को पत्रकार को पकड़ के बैठी है। ब्रजेश कुमार मिश्रा को क्यों इधर कैमरे में, सर कैमरे में बताइए, क्यों इनकम टैक्स का छापा मारा गया? कौन सी बड़ी तनख्वाह, कौन सा घोटाला कर दिया भाई? सोनू सूद के यहाँ भी जो है छापा मारा गया, उस पर क्या कहेंगे? सोनू सूद ने कोरोना काल में कितना रुपया की देन है? ये बाहर से जो फंडिंग हो रही है, ये लुटियन गैंग की ये देन है। ये भारत में बवाल मचाए हुए हैं, है ये लुटियन गैंग वालों की देन है। देखिए लुटियन गैंग पे आरोप लगा रहे हैं भाई। लुटियन गैंग आप सरकार में है तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, और क्या? ये तो आप सरकार में कहने का अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा कहने का अधिकार है, हम भी कुछ कह सकते हैं। जनता का जो रुख है उसको जिसको आइए आइए यहाँ आइए, यहाँ बात करिए। तो देखा उनका वही तो सरकार आएगी। ठीक है ठीक है, 350 बस वक्त का ही वक्त का इंतजार है और लोगों से मिली जुली राय मिल रही है। आइए आने वाले वक्त में देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। हमारे साथ कुछ नागरिक थे और उन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपना सवाल रखा, अपने पक्ष को हमारे सामने रखा और अपनी राय को बेबाकी से बात की। कैमरामैन सुमित के साथ मैं वैभव सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।